विधानसभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं ओबीसी वर्ग से जुड़े युवा जो पूरे प्रदेश के अंदर उद्वेलित है और अपने हकों के लिए वो सड़क से लेके और सब जगह संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि 17/4/2018 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार एक परिपत्र लेके आई और उसमें पूर्व सैनिकों के होरिजेंटल आरक्षण को लेके और ओबीसी के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। इसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय विशेष चर्चा यदि आप इस सदन के अंदर रखवाते, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये मामला है और बहुत बड़ा जो वर्ग है ओबीसी का 60% से भी ज़्यादा जिसकी आबादी है उसके युवा कहीं ना कहीं इसके हितों में कुठाराघात हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई जिसके अंदर ओबीसी पुरुषों के पदों की संख्या 554 दिखाई गई थी, लेकिन अंतिम रूप से जब चयनित हुए तो एक भी पद पे कोई भी ओबीसी वर्ग का युवा इसके अंदर चयनित नहीं हुआ। इसी तरह राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में 87 पदों की जो भर्ती थी उसमें 43 पदों पे पुलिस अध्यापक भर्ती परीक्षा में 630 की जगह मंत्री जी ना यू हैव अ चैंबर गो टू अ चैंबर 630 पद जो थे उसके अगेंस्ट में सिर्फ 75 पदों पे इनकी भर्ती हुई। पटवारी सीधी भर्ती में 603 की जगह 105, उद्योग प्रसार अधिकारी के लिए 9 पदों की जो थी उसमें एक पद पे चयनित हुए। कृषि पर्यवेक्षक में 231 की जगह 49 और कृषि पर्यवेक्षक में 309 की जगह सिर्फ 128 पदों पे ये अंतिम रूप से चयनित हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल है, इस 2018 के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई और कुछ जो मंत्री थे उस टाइम जो आज मंत्री नहीं है वो जरूर बिगुल बजा रहे हैं, जब वो सत्ता के अंदर थे, जब कैबिनेट के अंदर थे तो वो लोग इसका ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के युवाओं पे के हितों पे कुठाराघात नहीं होगा होता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ओबीसी वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है इसके तहत विप्र फाउंडेशन ट्रस्ट की तरह ही आप कहीं ना कहीं ओबीसी कल्याण का बोर्ड का भी गठन आप करें और उनके हितों में, चूँकि ओबीसी कमेटी के अंदर भी मैं हूँ, आज तक ये बड़ी विडंबना है कि ओबीसी कमेटी भी मीटिंग है और सार गर्भित बातें जो है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि ओबीसी वर्ग के जो युवा जो आंदोलित है, जो कहीं ना कहीं एक तरफ आप रोजगार देने की बात करें दूसरी तरफ सड़कों पे आगे संघर्ष करने पे मजबूर हो जाएंगे, इस मामले को आप दिखा के और ओबीसी के युवाओं को न्याय दिलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय,